हाय गाइस, दिस इज हिमांशु फ्रॉम प्रेप टैब और आज हम करने वाले प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यू विल बी गिवन फोर क्वेश्चंस जो कि आपको मैक्सिमम 8 मिनट में करने हैं, ऑलराइट। और ये बेसिस पे आप अपनी एफिशिएंसी को इवैल्यूएट कर सकते हो और जो नीडेड स्टेप्स हैं वो ले सकते हो, ठीक है। स्मॉल इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज, वी आर गोइंग टू लॉन्च अ कोर्स विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of June। 6 दिन का कोर्स है, इसमें हम पूरा केमिस्ट्री आपको अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल रिवाइज करवाएंगे। यू विल बी गिवन लाइव क्लासेस फॉर दीज 6 डेज। इट विल बी ऑफ 2 आवर्स, टाइमिंग इज गिवन ओवर हियर। उस क्लास से पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा ऑफ 30 मिनट्स, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, ऑलराइट। यू विल बी गिवन द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशंस एज वेल। इन केस यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, प्लीज चेक योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You can also contact us on the given number. In case you want to register for this course, hurry up, download our app PrepTab and over there you can find this course. Okay? Chalo, now let's see our first question. Guys, sabse pehle kya hai? Match the following question hai. Aajkal ye bahut frequently JEE mein aa rahe hain. Test diye hue ek taraf, reagents diye hue, fatafat take your time aur match karo. Lucas test. लुकास टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। इसमें हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो रिएजेंट हम यूज करते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, मतलब इसका आंसर हो गया डी। इससे 3 डिग्री एल्कोहल एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं और इमीजिएटली वाइट टर्बिडिटी दे देते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल 5 से 10 मिनट की रिएक्शन होती है, उसके बाद वाइट टर्बिडिटी देते हैं। और 1 डिग्री बेचारे कभी रिएक्शन कर ही नहीं पाते, तो नो टर्बिडिटी इज ऑब्टेंड। तो इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए लुकास टेस्ट। ड्यूमास मेथड, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहां पे नाइट्रोजन कितना है किसी मॉलिक्यूल में उसको डिटरमाइन करा जाता है। सेम गोज फॉर जलडाल्स मेथड। ड्यूमा मेथड एंड जलडाल्स मेथड बोथ आर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। ड्यूमा मेथड में हम N2 गैस बनाते हैं यूजिंग कॉपर ऑक्साइड एंड CO2, और जलडाल्स मेथड में H2SO4 यूज किया जाता है, ठीक है। सो फॉर ड्यूमा मेथड C इज करेक्ट एंड फॉर जलडाल्स मेथड E इज द राइट ऑप्शन। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट इज फॉर डिस्टिंग्विशिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए है, और इसमें हम सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते हैं, विच इज दिस PHSO2Cl इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो गया ए। सो DCEA, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट वन, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The Jeldahl's method. Jeldahl's method is one of the most favorite test of your JEE mains, क्योंकि इसमें बहुत questions आते हैं। Jeldahl method of nitrogen estimation fails for which of the following products? इनसे जो product बनेंगे उनमें किस पे आप Jeldahl method नहीं लगा सकते, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, Jeldahl's method होता है for determination of nitrogen। जिन भी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है तो वो कितना है अमाउंट निकालने के लिए हम जलडाल मेथड लगाते हैं। लेकिन जलडाल मेथड कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए हम नहीं यूज कर सकते। किन के लिए? अगर वो नाइट्रो कंपाउंड्स है, मतलब जैसे यहाँ नाइट्रो बेंजीन दिया हुआ है, ये इसके लिए नहीं कर पाएंगे, इसमें जलडाल मेथड एप्लीकेबल नहीं है। और आपके पास अगर डायएजो कंपाउंड्स है, डायएजो मतलब जैसे डायजोनियम सॉल्ट बनता है N2+, वो ओके, तो ये ऐसे स्पीशीज है जिन पे कि ये नहीं लगता है। ओके, लेट्स क्विकली राइट डाउन द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्मड इन दीज रिएक्शंस। पहली रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन और टिन HCl डाले। टिन HCl विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो नाइट्रोबेंजीन से बना देगा एनिलीन। ओके, सेकंड नाइट्राइल ग्रुप है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करके बना देगा CH2NH2। You will get a primary amine. Okay. Nitrile है SnCl2HCl with water. This is Stefan's reaction. ये हम aldehyde के preparation के लिए use करते हैं from nitrile.
तो जो नाइट्राइल वाला कार्बन है दैट बिकम्स एल्डिहाइड एंड डी इज एनिलीन है और उसमें NaNO2HCl यानी कि आपने बनाया है डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके, अब देखो किस पे आप जलडाल मेथड लगा सकते हो। अमीन है बना लगा सकते हो, आराम से एनिलीन देता है, यहाँ अमीन है ये भी एप्लीकेबल है, इस पे भी जलडाल मेथड लग जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन ही नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है तो जलडाल मेथड क्या करेगा, राइट? तो ये नहीं देगा। यहाँ डाइएजो नियम सॉल्ट बन गया तो ये भी नहीं देगा, तो सी और डी विल फेल। ओके, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया, राइट? सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो पीओसी में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। हैव अ लुक एट दिस। इन द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन बाय कैरियस मेथड, गाइस कैरियस मेथड में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किन दो एटम्स का, एक तो हैलोजन का, ओके, और दूसरा सल्फर का। इन दोनों के लिए यूज किया जाता है, हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसको एस्टिमेट किया जाता है, सल्फर को। तो यहाँ ब्रोमीन को एस्टिमेट करने के लिए बोल रहे हैं, आपने 1.6 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.6 ग्राम, इसमें जितना भी ब्रोमीन था इस कंपाउंड में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया AgBr में, फिर AgBr कितना आ रहा है 1.88 ग्राम। तो आपको बताना है मास परसेंटेज इस कंपाउंड में ब्रोमीन का कितना था। बहुत सिंपल है, जितना भी ब्रोमीन इसमें था वो सारा का सारा यहां आ गया। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि इस ब्रोमीन का मास कितना है, इसका मतलब उतना मास इस 1.6 ग्राम में प्रेजेंट था, और फिर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं बाय मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, ठीक है? तो बस मुझे मास ऑफ ब्रोमीन निकालना है, सॉरी दिस इज परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, राइट? ओके, तो ब्रोमीन का मास कैसे निकालें? मास ऑफ AgBr दिया है तो मोल्स ऑफ AgBr विल बी 1.88 डिवाइडेड बाय मोलर मास। AgBr का मोलर मास 108 प्लस 80 यानी कि 188, तो दिस डिवाइडेड बाय 188, ये आ गए AgBr के मोल्स। तो इससे मैं कह सकती हूँ दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Br माइनस, जितने AgBr के मोल्स हैं उतने ही ब्रोमाइड के मोल्स होंगे क्योंकि उतने ही ब्रोमीन आयंस यहाँ पे हैं, एक मॉलिक्यूल में एक ही ब्रोमीन आयन है। तो मास ऑफ ब्रोमीन भी आ गया, कितना आएगा मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ ब्रोमीन यानी कि इतना। अब इसको वहां पुट कर दो, सो इट विल बी 1.88 डिवाइडेड बाय 188 इनटू 80, दिस इज द मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.6 ग्राम, इतना मास ब्रोमीन का 1.6 ग्राम में प्रेजेंट है, इनटू 100। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व दिस। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, लेट्स रिमूव द डेसिमल्स। 188 188 विल गेट कैंसिल्ड, 100 100 विल गेट कैंसिल्ड, 16 5 टाइम्स इज 80, तो दिस इज 50%, यानी कि इस मॉलिक्यूल में 50% ब्रोमीन है, तो योर राइट आंसर इज 50, ठीक है? ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं दी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम पीओसी। द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना दिया है आपको, 4:1 इट्स गिवन ओवर हियर, एंड कार्बन ऑक्सीजन दिस इज 3:4 ये दिया हुआ है, ऑफ अ सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस विल बी यूजफुल, देन द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंबर्शन ऑफ 2 moles ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। तो पहले मुझे एक्स का फॉर्मूला निकालना होगा, तो यहां कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो मास जो परसेंटेज दिए उससे पहले सिंप्लीफाई करके हम कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालते हैं। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बिकॉज कार्बन इज कॉमन इन बोथ, सो आई राइट इट एज 1:1/4, कैन आई राइट दैट 1:1/4, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, और इधर क्या हो जाएगा 1:4/3, तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन हो गया 1:1/4:4/3, यानी कि अगर आप इसको
सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 12:3:16, राइट? 12:3:16. तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशियो है 12:3:16. अब मोल्स निकाल लो, मोल्स आ जाएंगे इसके 12/12 यानी कि 1, हाइड्रोजन के आ जाएंगे 3/1 एंड ऑक्सीजन के आ जाएंगे 16/16 यानी कि 1. तो मोल रेशियो हो गया 1:3:1 यानी कि CH3O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ X. अब पहले चेक करो क्या CH3O एक्चुअल में कोई कंपाउंड है क्या. लेट्स सी, C चार वैलेंसी है, एक पे ऑक्सीजन लगा दिया, इट शुड बी सैचुरेटेड, आप डबल बॉन्ड नहीं कर सकते. अगर तीन हाइड्रोजन लगाए तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है, तो ये तो नहीं है यार. चलो फिर क्या करें, लेट्स मल्टीप्लाई विद टू, टू से मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी C2H6O2, मेक अ सैचुरेटेड एंड असाइक्लिक कंपाउंड. ओके, लेट्स डू दैट. दो कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड भी नहीं करना, तो एटलीस्ट इनको एक एक हाइड्रोजन दो. अब इन दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, तो हाइड्रोजन लगा लेते हैं, कितने हो गए C2H6O2, मतलब फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया. तो यस, ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सही है, C2H6O2, दिस इज योर X. अब हम इसका कंबशन कर रहे हैं टू गिव CO2 एंड H2O. लेट्स क्विकली बैलेंस इट 2, 3 और इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 5. कंबशन कितने मोल का करना है, 2 मोल का. उसके लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, फॉर 2 मोल्स आई विल बी नीडिंग 5/2 × 2 यानी कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑलराइट, तो आंसर शुड बी 5, 5 मोल ऑक्सीजन के लगेंगे. सो नाउ हैविंग सीन ऑल द 4 क्वेश्चंस, कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं POC से, यू हैव सीन दैट, राइट? इवैल्यूएट योरसेल्फ, चेक फॉर योरसेल्फ नाउ इटसेल्फ एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली इन द रिमेनिंग टाइम. ओके, सो नाउ आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप. गुड लक.